जय हिंद बच्चों, आज आपका कक्षा 10 अंग्रेजी का पेपर था और आज के इस पेपर में आपने कितने नंबर का सॉल्व किया है ये हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों, आपका जो पेपर सेट है वो है 817 DH और इसमें जो सेक्शन 4 हैं ABC, 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले पार्ट ए की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पार्ट ए देखिए क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, आपको पैसेज को अच्छे से आपने पढ़ा होगा और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने भी थे। तो आपने देखिए क्या राइट आंसर किए हैं, कौन कौन से, तो आप इन्हें मिला लें। तो अनसीन को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? ए ग्रेट साइंटिस्ट, बी ग्रेट आर्टिस्ट, सी ए ग्रेट लीडर, या डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कौन थे? वो एक महान नेता थे। तो आंसर 1 का सी हो जाएगा, ए ग्रेट लीडर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो बच्चों, ये कथन किसने कहा था ये तो आप लोगों को पता भी होगा। तो ये कहा था किसने? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। वैसे तो विकल्प में देखिए चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह, पर राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने ये शब्द कहे थे कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। जो भारतीय नेशनल जो सेना है, राष्ट्रीय सेना है, तो उसकी स्थापना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार भगत पटेल के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या जनरल करियप्पा के द्वारा। तो बच्चों, जो इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ऑफ आंसर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। तो देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित को चुनकर आपको सही आंसर देना है। सी रिक्त स्थान, टू द मार्केट वेंट हर कजन, हैड गॉन आएगा, या वेंट, या विल गो, या आल आर करेक्ट। तो बच्चों देखिए, सी माने वह है, वेंट मीन्स गई, टू मार्केट विद हर कजन, वह अपने चचेरे भाई के साथ या बहनों के साथ बाजार गई। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा क्या? बी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ ए स्टूडेंट वॉन्ट टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज, यानी कि यदि एक विद्यार्थी हर एक नई चीज को जानना चाहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए बच्चों शब्द बताइए क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, या कॉशियस होगा, या केयरफुल, या क्यूरियस। तो बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क्यूरियस, क्योंकि क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। तो आपको जो सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना है कि कौन सा सेंटेंस रीअरेंज है। तो देखिए, इल्डर बी ग्रेट ये है नहीं, रेस्पेक्ट बी शुड ग्रेट ये भी नहीं है, अवर ग्रेट लीडर फॉर बी हैव रेस्पेक्ट शुड ये भी नहीं है। तो बच्चों, रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब वगैरह होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर डी राइट है, क्योंकि देखिए बी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर अवर इल्डर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वगैरह मेन वर्ब सब कुछ इसमें दी है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड है? रिसीव, डिसीव, कंसीव, या परसीव। तो बताइए बच्चों। तो बच्चों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा क्या? परसीव। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सी के बाद हमेशा बड़ी की मात्रा का उच्चारण जब निकलता है तो उसके लिए पहले ई और फिर आई, यानी कि जो बड़ी ई होती है ना, इसका जब उच्चारण निकल रहा है तो पहले ई बनेगी बाद में आई बनेगी। तो इनमें सभी देखिए सी के बाद ई है फिर आई है, सिर्फ परसीव ही है जिसमें पहले आई आई और फिर ई आई। तो ये राइट आंसर आपका, ये मीनिंग आपकी मिस स्पेल्ड है। फिर है, फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रपोजिशन, ही हैज नो डिजायर डॉट 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 फेम। तो बताइए कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन इसमें भरा जाएगा, ऑफ, या फोर, या टू, या एट। तो जो ही हैज नो डिजायर फॉर फेम, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों देखिए, 9 से 10 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पैसेज पढ़ना है और इसी पैसेज को देखते हुए आपको इसी में से आंसर भी छांटने। तो बच्चों, आपने ये पैसेज पढ़ा होगा क्योंकि आपको 15
मिनट दिए गए थे पेपर को पढ़ने के ही लिए। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री। तो हम आपको ये बता दे रहे कि आपका जो पैसेज बच्चों, ये आपका जो सेकेंड चैप्टर था नेल्सन मंडेला वाला, तो उसी में से ये पैसेज आया है। तो पूछ रहे हैं कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल, जो अश्वेत लोग थे ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के बाज वो थे, सेंसटेंसड, सपोर्टेड, क्यूरटेड या अपोज्ड। तो बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, अपोज्ड। अपोज्ड का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दमन करता। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन क्या है, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, जो लेखक है उनके अंदर बहुत ज़्यादा भूख है, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल अपनी जनता या लोगों की, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड अपने दोस्तों की, या फ्रीडम ऑफ नेवर्स अपने पड़ोसियों की। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11-13। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। द पोस्टमैन वाज ए .. एमिएबल फॉलो। तो रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था या फैट था। तो ये बच्चों ये आपका लेटर टू गॉड से है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो बच्चों कैसा था, वो फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एन फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज। एन फ्रैंक एक डायरी लिखना चाहती थी क्योंकि सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग ए डायरी, सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर फॉर शेयर हर फीलिंग्स, या सी वांट टू कीप ए रिकॉर्ड इन इट, या मिस्टर कीजिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू शो। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि जो एन फ्रैंक थी वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि उनका कोई मित्र नहीं था और वह अपनी भावनाएं इसमें लिखना चाहती थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, यानी कि कुर्ग की मुख्य फसल है राइस, चावल, कॉफी, टी या स्पाइस मसाले। तो जो कुर्ग की जो राइट जो फसल है मेन फसल वो है क्या, कॉफी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14-15 है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। यानी कि आपको इस स्टेंजा को पढ़ना है या एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर छांटने। तो देखिए क्या है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो बच्चों आपने जैसे ही इसे पढ़ा तो इसी में से आंसर अभी फटाफट तो देखिए मिलेंगे। कि पहला क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था। तो बच्चों इसमें कौन बैठा है, देखिए क्रो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्रो। ए कुक्कू नहीं थी, ए स्पैरो नहीं था, ना पिजन था, कौन, एक क्रो, एक कौआ ही बैठा हुआ था किस पर, पेड़ पर। अब देखिए दूसरा तो और भी जी क्वेश्चन है, देखिए कि वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, जो कवि है वो कहाँ खड़ा था, अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बेनियन ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए नीम ट्री। तो बच्चों जो कवि है वो कहाँ पर खड़ा हुआ था, वो खड़ा हुआ था अंडर ए हेमलॉक ट्री, जिसके ऊपर कौआ बैठा हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16-20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, नो फूड फॉर 2 डेज, इंजेक्शंस एंड मेडिसन्स। तो जो आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो ट्रिकी को डॉक्टर हैरिट ने 2 दिन तक कोई भी भोजन वगैरह नहीं दिया था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, यानी कि जो थीप्स स्टोरी है उस कहानी का लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है, अनिल है, हरी सिंह है या अनंस फ्रेंड है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा क्या, हरी सिंह ही उस कहानी का नरेटर है यानी वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, जो साइंटिस्ट ग्रिफिन थे वो कहाँ पर ठहरे हुए थे आइपिंग में, इन एन इन एक सराह में, इन ए चर्च चर्च में, इन ए होटल एक होटल में, या इन ए टेम्पल एक मंदिर में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्रिफिन थे वो एक सराय में रुके हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड, ए ब्राइट ने अपने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, बटरफ्लाई, तितलियां, कॉइंस के स्टाम्प्स या ऑल ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, बटरफ्लाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसेस लॉसेल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर टू बोरो, जो मिसेस लॉसेल हैं वो मिसेस फॉरेस्टियर से क्या उधार लेने के लिए गई थी। तो बच्चों बताइए क्या, ए ब्यूटीफुल ड्रेस, या ए नेकलेस, या ब्रेसलेट, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ए नेकलेस। तो जो मिसेस लॉसेल हैं उन्होंने मिसेस फॉरेस्टियर से एक हार लिया था। नेक्स्ट देखते बच्चों, तो पार्ट बी है रीडिंग।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपने इस रीडिंग पैसेज को पढ़ा होगा, तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पर इसके चलते हैं। हाउ कैन बी वेल्दी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन, तो इसका बच्चों जो राइट आंसर देखिए हो जाएगा वो यहाँ से था, यहाँ से फर्स्ट, रिचेस कैन बी प्रॉफिटली स्पेंट इन रिमूविंग द वांट्स टू पुअर एंड नीडी बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड एंड क्लॉथिंग तक, तो यहाँ तक आपको लिखना था, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, व्हाट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन, तो इसका बच्चों जो राइट आंसर था वो यहाँ से था, बिसाइड्स दीज ह्यूमैनिटेरियन वर्क अंडर सॉरी अदर वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सच एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोमोटिंग द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर बाय फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन मे बी कैरिड आउट, यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है, हाउ डू मैनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपना धन कैसे बर्बाद करते हैं, तो देखिए यहाँ से करना था आपको, रिच मैन हु इलिटरेली रोल इन वेल्थ आर इजली टेम्प्टेड टू वेस्ट देयर मनी ऑन लग्जरीज एंड ऑन ग्रेटिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्लेजर डिफिशियंट इन मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट तक, तो जो यहाँ तक इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर चार क्या है, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स सेवरल, तो इस पैसेज में सेवरल का मतलब क्या है, तो सेवरल मीन्स बच्चों अनेक होता है, तो इसी पैसेज में आपको ढूंढना था मीनिंग, तो देखिए यहाँ पर जो मैनी लिखा है मैनी मीन्स भी अनेक होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, मैनी। नेक्स्ट देखिए पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट बच्चों राइटिंग है, क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम ए प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज, यानी कि आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें उन्हें आप होलीडेज की छुट्टियों के दौरान अपने यहाँ बुलाने के लिए कहें, अथवा मैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू ए वीक्स लीव ए एब्सेंस एज यू आर इल, ये बच्चों आपके लिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि आपको एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था कि आपको एक सप्ताह की लगभग छुट्टी चाहिए, तो बच्चों ये बहुत ही ईजी था, तो राइट शायद है कि आपने इसी एप्लीकेशन को लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 80 या 100 वर्ड, तो आपको बच्चों दिवाली पर एक निबंध लिखना था जिस जो कि लगभग 80 या 100 वर्ड के आसपास था, तो शायद है कि आपने इन हेडिंग्स के आधार पर लिखी होगी क्या, प्रिपरेशन लाइटिंग वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश फायर वर्क एंड क्रेकर्स साइलेंस, तो आपने इस टॉपिक पर आपने हूबहू आपने बढ़िया सा लिखा हो, क्योंकि मैंने दिवाली का एक वीडियो आपको डाला था। अथवा हम देखिए राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन, या आपको एक आर्टिकल लिखना था गर्ल्स एजुकेशन यानी लड़कियों की शिक्षा पर। अब नेक्स्ट पर चलते बच्चों क्या ग्रामर पर चलते बच्चों, ग्रामर ये आपका बहुत ही बढ़िया टॉपिक है देखिए, तो आइए बच्चों ग्रामर को पेपर पर ही सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन चार का ए है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बच्चों थोड़ा सा श्वास ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी गले में खिचखिच है, खैर इससे कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो देखिए पहला क्या है, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, तो इसे इनडायरेक्ट में बदलना था, तो देखिए ही को हम ही करेंगे, ठीक है बच्चों, सेड को सेड ही रखेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट, आई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो ही हमारा प्रोनाउन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन ही है इससे हम वर्ब चेंज करेंगे तो वुड हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों सेल को शुड और बिल को बुड, तो यहाँ पर आई के अनुसार सेल है, तो यहाँ प्रोनाउन जब चेंज हुआ तो ही के अनुसार बिल बिल्कुल हम क्या कर देंगे बुड, तो यहाँ पर बुड हो जाएगा, बुड डू, माई को चेंज करेंगे ही के अनुसार, पजेसिव माई, तो ही के अनुसार हो जाएगा हमारा हिज बेस्ट, और जो टुमारो है इसे चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, थ्री मैन आर लोडिंग द कार्ट, तो देखिए इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, द कार्ट हमारा पहले आ जाएगा, द कार्ट अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बस इज एम आर वाज वर्ब के बाद में क्या हो जाता है बीइंग हो जाता है, तो इज एम आर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बीइंग, तो द कार्ट इज बीइंग, अब जो लोड है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लोडेड बाई थ्री मैन, जो आपका सब्जेक्ट है उससे पहले हम बाई लगाते हैं, ऑब्जेक्ट जब बनेगा आकर तो यहाँ पर हो जाएगा क्या थ्री
मैन। तो इस प्रकार से हमारा पैसे हो जाएगा, द कार्ड इज बींग लाउडेड बाई थ्री मैन। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो ही सेड व्हाट इज योर नेम। तो इन शब्दों को आपको पंक्चुएट यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग करना था। तो देखिए सबसे पहले हमारा कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर हो जाता है, ठीक है, ही सेड। तो जब सेड आ गया तो आपका ये डायरेक्ट का सेंटेंस है। इनवर्टेड कॉमा बिगिन हो जाएगा, व्हाट में डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, इज योर नेम, अब यहां पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और इनवर्टेड कॉमा कर देंगे क्लोज। तो बच्चों वीडियो आज का आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो बच्चों हम आपको पार्ट टू में बताएंगे। अगर बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो पार्ट टू अवश्य ही देखें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों अपने मित्रों तक। मिलते हैं बच्चों पार्ट टू में, तब तक के लिए धन्यवाद।